हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों, शाम के अभी 4 बज रहा है और आज का मौसम देख सकते हैं, बारिश है, यही बढ़ रहा है दोस्तों, गीला हो जाएंगे। और दोस्तों, आज मैं फेरी पर नहीं गया हूँ, पूरे दिन जो है ना फुनफुना रहा है, ऐसे थोड़ा सा तेज़ बारिश हुआ है 11 बजे के आसपास, उसके बाद में फिर धीरे धीरे अभी हो ही रहा है, तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, दिख नहीं रहा होगा, ऐसे नीचे पानी में देखेंगे तो पता चलेगा। तो आज नहीं जा पाए हैं। और दोस्तों, एक बात है मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं, कभी कभी जो है ना इस समय काम तो थोड़ा मंदा चलता ही है, उसी में जो है ना काम मंदा चलता है, लेकिन थोड़ा सा काम मंदा चलता है तो काम पर जाने का मन नहीं करता है, और बार बार बाहर जाने का मन में ख्याल बात आने लगता है कि इससे अच्छा है कि बाहर चले जाए, बाहर काम करें। लेकिन मैं काम किया हूँ लगभग 4-5 साल फिर, तो मुझे इतना पता चल गया है कि बाहर भी जाऊँगा तो इससे ज़्यादा नहीं कमा पाऊँगा। हाँ, भले वहाँ ज़्यादा बचा लूँगा यहाँ से, लेकिन कम ज़्यादा कमा नहीं पाएंगे। यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर थोड़ा ज़्यादा भी कमाते हैं तो खर्च हो जाता है, क्योंकि फैमिली में रहने पर ही होता है कुछ, कभी ये चीज़ का कमी होगा, कभी वो चीज़ का कमी होगा, इसके वजह से पैसा निकलता चला जाता है किसी न किसी तरह से। बाहर में है तो बाहर में फोकस कमाने पर रहता है, बचाने पर रहता है, क्योंकि वहाँ पर जाने पर जो है ना ध्यान रहता है कि हम कमाने आए हैं तो बचाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे है तो यहाँ पे कमाते हैं वहाँ से ज़्यादा, लेकिन बचा नहीं पाते हैं, खर्चा हो जाता है, जिसके वजह से मैं मुसीबत में फंस रहा हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि मुझे कर्ज जो है ना चुक नहीं रहा है, जो कमा रहा हूँ वो खर्चा हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें अभी काम में भी थोड़ा कम सेल हो रहा है, तो मन में बार बार बात आ रहा है कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि मेरे को बाहर में भी मन नहीं लगा, इसलिए क्योंकि वहां से अच्छा कमाई यहां हो जाता है। मेरे को जो है ना, जब कर्ज नहीं चुकता है, कमाई करते हैं, इनकम करते हैं, खर्च हो जाता है, कर्ज नहीं चुका पाते हैं, तो धीरे धीरे जो है ना विश्वास कम होने लगता है, इसके वजह से मेरा मन बाहर जाने को करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, सिस्टम दोस्तों बनाते हैं बचाने का पैसा, लेकिन क्या है कि बच ही नहीं पाता है कभी ना कभी। सबसे मेन बात है दोस्तों कि मैं जो हूँ ना नरमी दिल वाला, यानी कि घर में एक ये सोच सकते हैं कि पत्थर का क्रेज बना के अगर काम करेंगे तब तो बचा लेंगे, कंजूसी बोल सकते हैं, कंजूसी करके अगर बचाना चाहेंगे तो बचा लेंगे, लेकिन हमसे कंजूसी नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में अगर थोड़ा भी किसी भी चीज़ में पैसा की ज़रूरी होता है तो मैं वहाँ पे दे देता हूँ, खर्च कर देता हूँ, इसके वजह से मेरे को पैसा नहीं बच पाता है, और घर वाला भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे को माया लग जाता है या किसी चीज़ में पैसे की ज़रूरत हो जाए तो मैं दे देता हूँ, लेकिन ये बात को घर वाले समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं रहे हैं। और मैं साथ दे रहा हूँ घर वाले को, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे विश्वास है, अगर मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ उस तरह से भी अगर काम करे, उस तरह से भी अगर सब बुझे, मेरा भाई भी वीडियो देखता होगा तो उनको मालूम पड़ जाएगा, अगर उस मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ इस तरह से अगर सारे घर फैमिली का आदमी सोचेगा करेगा, तो कर्जा जो है मेरे भाई के ऊपर भी कर्जा है, मेरे ऊपर भी है, दोनों का अलग अलग है, लेकिन सारा खर्च घर में जो खर्च होता है वो मेंटेन करने के बाद जो है ना सारा कर्जा हम चुका देंगे, इतना विश्वास है हम सब मिल करके, हम नहीं हम सब मिल करके, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। और ऐसा ना कर पाने की वजह से है कि घर में जो है ना ये समझ सकते हैं कि मेल नहीं है सबको, सब अपना अपना खर्चा करता है, अपना अपना खर्च का मतलब है कि जिसको हाथ में जो पैसा है और ज़रूरी हुआ उस समय वो खर्चा कर दिया, तो ऐसे जो है ना दोस्तों हिसाब नहीं बैठ पाता है। खर्च का मतलब है कि घर का पूरा मेंटेन करने का मतलब है कि कितना रुपया खर्च हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, सब लिखित रूप में हिसाब होना चाहिए, ताकि मालूम पड़ सके कि महीना में कितना खर्च हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, तो सही रहेगा। लेकिन ऐसे में हमारे पास पैसा रहता है तो मैं खर्च कर देता हूँ घर में, पिताजी के पास रहता है तो पिताजी कर देते हैं,
माता जी के पास रहता है तो माता जी कर देते हैं, मेरे भाई के पास रहता है तो वो खर्च कर देता है ज़रूरी खर्चा में। तो ऐसे से जो है ना, ऐसे में पता नहीं चलता है कितना पैसा खर्च हुआ, लेकिन वहीं पे अगर एक आदमी हिसाब करेगा तो कितना इनकम हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, सब पता चलता रहेगा। तो जब ऐसा होगा तो खर्च पर कंट्रोल भी करेंगे और इनकम देखेंगे किस तरह से है, तो इनकम भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से करेंगे तो सेल कमाई करने में, कमाने में भी मन लगेगा, जो भी काम कर रहे हैं फेरी कर रहे हैं तो फेरी में मन लगेगा, खेत में काम करने जाएंगे तो खेत में काम में मन लगेगा, क्योंकि पूरी तरह से सब क्लियर रहेगा, हिसाब बारी खर्च और इनकम सारा पूरी तरह से ना लिखित रूप में पूरा जो है ना हमारे पास रहेगा, मुझे मालूम रहेगा, हम लोगों का मालूम रहेगा, तो काम करने में मन लगेगा, खुशी से ज़िंदगी बिता पाएंगे। और कितना भी कर्ज है, थोड़ा ही है लेकिन मेरे लिए ज़्यादा है, तो सही से चुका देंगे, चुका पाएंगे हम और भाई सब कुछ, सब कोई मिला करके। लेकिन यहीं पे चित्तर वित्तर है, इधर उधर है, तो सब इधर उधर है, तो इसके वजह से काम में भी नहीं मन लगता है, क्योंकि उसका मन कुछ और है, मेरा मन कुछ और है, पिताजी का मन कुछ और है, माई का मन कुछ और है। इसके वजह से एक मेल बात का एक मेल ना होने के कारण से काम में भी मन नहीं लगता है, और जब काम में मन नहीं लगता है तो अच्छे से सेल नहीं होगा, जब सेल अच्छा नहीं होगा तो फिर इनकम नहीं होगा, तो फिर घर का खर्चा भी जुटाने में मुश्किल होने लगता है और होने लगेगा धीरे धीरे। तो इसीलिए दोस्तों मैं अपने भाई से कहना चाहता हूँ, अगर समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, हम चाहते हैं कि हम लोग मिल करके एकजुट से एक तरह के काम करें और उसमें मतलब विकसित हो, उस काम को बढ़ाए। तो ये मैं अपने भाई से कहना चाहता हूँ, मेरा भाई वीडियो देखता होगा तो। दोस्तों अकेला मैं रहूँगा तो अलग बात है, लेकिन जब साथ में है पूरा फैमिली, जब साथ में है तो कोई भी काम मिल करके साथ में एकजुट से एक मेल से होना चाहिए तो अच्छा है। यहीं पर दोस्तों दिक्कत हो जाता है कि बाद में मेल नहीं हो पाता है। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में, अभी तो इतना ही, बाय बाय, गुड इवनिंग।